मेरठ में बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस कोतवाली की चंद कदमों की दूरी पर युवक को पहले तो निर्मम तरीके से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके शव को जला दिया। दरअसल मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र आजम नगर का है, जहां गारमेंट्स की दुकान से घर वापस लौट रहे मोनू की निर्मम तरीके से पहले तो हत्या कर दी और बाद में उसकी पहचान छुपाने के लिए मोनू के शव को जला दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और इस घटना के संबंध में जांच में जुट गई। वहीं गारमेंट्स स्वामी ने बताया कि मोनू 4 साल से काम करता है। मोनू का इस दौरान किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। ये थाना कोतवाली अंतर्गत कुमार टॉकीज के पीछे आज एक शव मिला। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और आसपास में मोहल्लों में उसका फोटो लेकर शिनाख्त करवाई गई। तो उसकी शिनाख्त मोनू सक्सेना मोहल्ला भूड़ थाना प्रेमनगर क्षेत्र का निवासी है। ये शिनाख्त हुई और उसके परिवारजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। ऐसा अभी प्राइमरी फेसी लग रहा है कि इसे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, सर पे चोट है और बॉडी को डिफेस करने के लिए बॉडी को इस तरीके से किया गया कि ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और बॉडी वैसी अवस्था में हमें मिली। हाँ, बॉडी को जलाने का भी कोशिश की।